हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जो है वो हमने एक जो करंट अफेयर्स का कौन सा पार्ट स्टार्ट करना है, पार्ट बी जो हमने है, जो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पहले हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें हमने क्या क्या किया था। हमने IMF किया था, IBRD किया था यानी वर्ल्ड बैंक किया था, WTO किया था, इसी तरीके से फिर हमने बाकी भी किया। आज जो हमने उसका रिमेनिंग पार्ट जो है, दैट इज़ आज हमने और वो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है और हम कुछ इंडेक्सेस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं आज इसमें। ओके, तो सबसे पहले क्या है यूनेस्को। ओके, ठीक है, यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को इट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। इट इज यूनाइटेड नेशन, UN, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या काम है, जो ये क्या करेगी, ये प्रमोट कर देंगी जितनी भी आपके क्या है एजुकेशन है, आर्ट है, साइंस है और कल्चर है, उसको ये क्या करेगी, प्रमोट करेगा इनमें पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से। ठीक है, तो जो जो साइट्स इसमें देखो, जैसे हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी साइट्स जो है वो इंडिया की यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर है, वो हम इसमें देखते हैं ये किस तरीके से क्या क्या कहाँ कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स है क्या है। अब देखिए, यूनेस्को जो है उसके हेडक्वार्टर्स आपसे पूछे जाएंगे कहाँ पे है। तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पेरिस फ्रांस पूछे जाते हैं, JKSSB पूछता है हेडक्वार्टर्स। ओके, देन आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को कौन है, ओद्रे एज़ोले कौन है डायरेक्टर जनरल यूनेस्को का, ओद्रे एज़ोले इनका क्या है डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसके मेंबर कंट्रीज, देखिए मेंबर कंट्रीज जो यूनेस्को के है वो पहले सुन लेना, ये नहीं है 195 नहीं है, पहले इसके 195 हुआ करते थे, 195 हुआ करते थे। क्या हो गया है, जो लास्ट 195th कंट्री यूनेस्को थी, यूनेस्को के अंडर आ गई थी, दैट वॉज पैलेस्टीन। क्या थी, पैलेस्टीन, जिसको फलस्तीन इस तरीके से है, ठीक है, पैलेस्टीन थी। पर क्या हो गया 2019 में, क्या हो गया 2019 में, दो कंट्रीज ने रिमूव कर दिया अपने आप को यूनेस्को के अंडर से, दैट इज यूर USA एंड इज़राइल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने USA एंड इज़राइल ने जो है वो क्या किया, वो अपने आप को जो है वो इसमें से रिमूव किया, किसमें से, यूनेस्को से रिमूव कर दिया अपने आप को। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जो है अब यूनेस्को के अंडर कितने मेंबर नेशंस हैं, ओनली 193 कितने रहे आप, 193, क्योंकि USA एंड इज़राइल जो है उन्होंने क्या किया, रिमूव अपने आप को किया, और अब कितने मेंबर नेशंस रहे, दैट इज यूर 193। अगर आपसे अब आ जाएगा कितने हैं 193, पहले 195 थे और रिमूव किसने किया, USA एंड इज़राइल। वन मिनट प्लीज, मैं पानी पीती हूँ, थोड़ा मुझे ऐसे चक्कर लगा था। ओके, आगे चलते हुए अब क्या है, अब यूनेस्को जो है, अब जो यूनेस्को है कह रहे इंडिया हैज डैश डैश साइट्स अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर इंडिया की कितनी साइट्स है, एंड डैश डैश बिकम्स द लेटेस्ट एंट्रेंट। तो अभी तक की जो है इंडिया की कितनी साइट्स है अंडर यूनेस्को की, दैट इज यूर
40 साइट्स, हेडक्वार्टर्स मैंने कहा पेरिस फ्रांस में, डायरेक्टर जनरल भी कहा मैंने, मेंबर कंट्रीज कितने आप दोगे 193, पहले मैंने कहा था 195 थे वो। इंडिया हैज डैश डैश साइट्स अंडर यूनेस्को, इंडिया की कितनी साइट्स है 40 साइट्स है, और लेटेस्ट एंट्रेंट कौन बनी, लेटेस्ट मतलब अभी कौन जो है आपसे पूछा जाएगा लेटेस्ट एंट्रेंट अंडर वर्ल्ड यूनेस्को की साइट कौन सी अभी इनिशियली जो है एंटर हो गई 40th बनी, दैट इज यूर धोलावीरा, पढ़ाया मैंने धोलावीरा, जिन्होंने मेरी इंडिया ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी जो हम जब हमने एमसीक्यूज किए उसमें मैंने आपको कहा धोलावीरा जो है ये अभी लेटेस्ट एंट्रेंट है किसकी अंडर यूनेस्को की, धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, और धोलावीरा जो है ये कहां पे है, रन ऑफ कच, रन ऑफ कच गुजरात में है, रन ऑफ कच गुजरात, और इसको किसने फाउंड किया वहां पे मैंने आपको कहा था जगपति जोशी, यहां पे तो जरा मैं हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं है, बट धोलावीरा बिकम द लेटेस्ट एंट्रेंट अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, और इंडिया की कितनी साइट्स है 40। अब देखिए अब क्या हो जाता है 2021 में, क्या हो गया 2021 में, क्या हो गया, जो दुर्ग पूजा है ये कोलकाता की है, कहां की दुर्ग पूजा कोलकाता की है, ये भी अंडर किस में आई, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब आप बोलेंगे मैम ये कोई टेंजिबल एसेट तो नहीं है, क्या चलो कोई साइट होती है तो वो अंडर यूनेस्को के अंडर आती है ना, बट ये पहला ऐसा फेस्टिवल है एशिया का, देखो बेसिकली क्या है ये इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बना, एक होता है टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं साइट को, ये तो इनटेंजिबल, आप फेस्टिवल को तो छू नहीं सकते हैं, तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि आप बताइए कौन सा ऐसा फेस्टिवल है सॉरी जो एशिया का है जो अंडर कहां किस में एंटर हो गया यूनेस्को की किस में इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में, दैट इज योर दुर्ग पूजा। ओके अब देखिए अब ये क्या है, दुर्ग पूजा जो है ये फर्स्ट फेस्टिवल इन एशिया बना जिसने किस में जगह ले ली यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर, ठीक है इन्होंने ये इसमें आ जाएगा दुर्ग पूजा। ओके अब जो है और पूछा जाएगा जो दुर्ग पूजा है मे बी वो अगर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो वो कहाँ की है, दैट इज ओवर कोलकाता। ओके अब देखिए इसी के अंडर यूनेस्को के अंडर आपसे पूछा जाएगा डैश डैश हैज बीन री इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूएनएचआरसी फॉर 2021 है ये नॉट 2021, इसको प्लीज ठीक कर देना पीडीएफ पे, ठीक है अपने लेवल पे, फॉर 2021 टू 2024 को कौन रीएलेक्टेड कौन मेंबर इसका हो जाएगा, ठीक है ये क्या यूएनएचआरसी ये तो उसका आया है ना, ये दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। ओके कोई बात नहीं, जो है अब कौन रीएलेक्ट हो जाएगा एज अ मेंबर ऑफ यूएनएचआरसी वो तो इंडिया है, और इंडिया कितने वाले पे हो जाएगा, दैट इज योर सिक्स्थ टर्म पे, ये पता नहीं क्यों यहाँ पे आ गया है, ये पार्ट होना नहीं चाहिए था, चलो कोई नहीं, ये तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये तो ये गलती से आया होगा टाइप में, कोई नहीं आगे चलते हैं हम। इंडियाज फर्स्ट साइट अंडर यूनेस्को, पहले बताइए देखो पहले हमने देखा कि अभी 40th साइट कौन बनी, दैट इज योर धोलावीरा, इंडिया की फर्स्ट साइट अंडर यूनेस्को, प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिए जो यूएनएचआरसी ये कुछ अलग आया, ये इंडिया तो है इसमें बट पता नहीं कैसे आया है टाइप में मे भी हो सकता है। अच्छा अब बताइए इंडिया फर्स्ट साइट अंडर यूनेस्को कौन सी है, दैट इज योर अजंता केव्स, अजंता केव्स को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पहली बार अजंता केव्स कब डाला इन 1983, और दूसरा जो है वो एलोरा टेम्पल्स जो है उनको डाला अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और वर्ल्ड फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन सी है दुनिया की कौन सी है, दैट इज योर द सिटी ऑफ क्वेटो, ठीक हुआ। फिर कहते हैं विच कंट्री हैज वर्ल्ड मोस्ट हेरिटेज साइट, किस कंट्री को जो है सबसे ज्यादा उसी की जो है हेरिटेज साइट्स अंडर यूनेस्को है, दैट इज योर इटली, ठीक हुआ।
अगर इंडिया की पूछी जाएगी कितनी वाली अभी प्रेजेंट टिल डेट अभी तक कितनी है अंडर यूनेस्को, तब आप देंगे 40। और 40th कौन है? हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइड, दैट इज यूवर धोलावीरा। ओके, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया की पहली साइड कौन सी थी, दैट इज अजंता केव जो 1983 में, और दूसरी एलोरा। वर्ल्ड की पहली कौन सी है जो अंडर उसमें आई, द सिटी ऑफ क्वेटो। और किस कंट्री के सबसे ज्यादा मोस्ट जो है वर्ल्ड मोस्ट हेरिटेज साइट्स, दैट इज यूवर इटली। ठीक है, हो गया ये। अब आगे चलते हुए ओके, नाउ यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? इट इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ओके, ये क्या है? ये बेसिकली जो जो इसकी, ये क्या करता है, जो जो इसकी मेंबर नेशंस है यूनिसेफ के, उनके चिल्ड्रंस की इम्प्रूव करेगा ये, जैसे हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनके न्यूट्रिशनल लेवल्स, ठीक है, और उनके जनरल वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन के लिए। क्या है ये? इट इज अ स्पेशल प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू इम्प्रूव द हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड द जनरल वेलनेस। अब ये किस पे काम करता है? कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989। अब पूछा जाएगा इसके जो हेडक्वार्टर्स जो है यूनिसेफ के वो कहां पे है, दैट इज न्यूयॉर्क। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स कहां है? न्यूयॉर्क में। अब आपसे पूछा जाएगा इसके कितने जो है वो मेंबर कंट्रीज है, तो इसके मेंबर कंट्रीज जो है दैट इज 190 इसके जो है अभी तक के मेंबर कंट्रीज है। देखिए, जैसे इन्होंने चलाया था एक पोलियो कंपेनियन इन्होंने चलाया था, तो उसमें हमने देखा था 2008 में जो है इंडिया में 559 केसेस ऑफ पोलियो स्टिल जो है वो थे, ठीक। फिर 2020 में जो है इंडिया ने जो है वो पोलियो फ्री जो है वो हुई है, ये पोलियो कंपेनियन इन्होंने यूनिसेफ ने ही जो है वो किया। अब देखिए नीति आयोग के हिसाब से, नीति आयोग के अनुसार यूनिसेफ ने अभी तक जो है रिडक्शन इन मैटरनिटी मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, मैटरनल जो मदर्स की डेथ हो जाती है उसमें रिडक्शन कितना है दिखाया, 130 टू 2014 टू 2016 तक जो है वो कितना है 130, एंड रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी MMR में 130, एंड रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में दैट इज IMR में वो 34 2016, बाय नीति आयोग का ये रिपोर्ट है, ठीक है। अब हेड ऑफ द यूनिसेफ जिन्होंने मेरे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लगभग मैंने ये करवाया था अक्टूबर में, आई थिंक हाँ ये अक्टूबर का करंट है, हेड ऑफ द यूनिसेफ मैंने आपको करवाया था, वो कौन है, दैट इज कैथरीन रसल, ठीक है, कैथरीन रसल जो है दैट इज द हेड ऑफ यूनिसेफ। अब चलते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ जो हेल्थ पे रिपोर्ट देते। एस्टेब्लिश कब हुई है? 7th April 1948। तभी 7th अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो ये एक और MCQ है, 7th अप्रैल क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो हेडक्वार्टर्स कहां है, दैट इज यूर जेनीवा स्विट्जरलैंड, जनीवा स्विट्जरलैंड। ओके, अब जो है हेड कौन है, इनके हेड भी पूछे जाते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो हेड कौन है, दैट इज यूवर टेड्रोस एधेनॉम, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है इसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो मेंबर कंट्रीज कितनी है, दैट इज 194। देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर देता है, ये
इसकी इनिशियल प्रायोरिटीज रहती है, जैसे मलेरिया पे ये रिपोर्ट दे, मलेरिया को ये मतलब खत्म करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाते हैं, या टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, या जो अभी कोविड 19 देखिए उस पर कितना अभी वो हम आगे देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड कोविड 19 में क्या उन्होंने किया। और फिर जो है आपकी वल्नरेबल डिजीजेज होती है, कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है, या चिल्ड्रन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन पे इनकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड कोविड 19, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड कोविड 19 जो है देखिए जो ऑफिशियल गेम नहीं है, इट इज ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम जो है देखो आप इतने मैच्योर एनफ है, अगर कहीं पे गलतियां हो जाती है तो उन चीजों को मत आप लिखिए कि वो ये है, क्योंकि ये टाइप मिस्टेक्स है, तो इन चीजों पे मत आप जाइए, ठीक है ना। तो वो आप खुद भी समझ सकते हैं कि मैं, क्योंकि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सही बोल रही हूँ, तो आपको गेम पे इतना नहीं। अब देखिए द ऑफिशियल नेम जो है कोविड 19 का या सार्स कोविड कोव टू का यानी कोविड टू वेयर इशूड बाय WHO ऑन, वो किसने दिया इनको ये नाम, WHO ने कब दिया, ऑन 11 February 2020, इट इज ऑल्सो 2020 ना 2620, ओके 2020। देखिए अब जो पहला हमने देखा कि इन्होंने कब इनका नाम दिया 11 February 2020 को जो है कोविड 19 को क्या नाम पड़ा, ठीक है। अब जो है जब कोविड इश्यूज चल रहे थे तो इन्होंने जो है लगभग अगस्त के महीने में WHO ने क्या किया, एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया। ये तो वैसे भी मैंने करंट्स में बोल दिया बट यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है। तो जो WHO है इन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया या एडवाइजरी ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया सैगो, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या सैगो। अब आपसे पूछा जा सकता है सैगो क्या है, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है ये, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है ये ऑफ नोवल पैथोजन, इस तरह लिखा नहीं है, ऑफ नोवल पैथोजन, ताकि ये ग्रुप जो एक्सपर्ट ग्रुप सैगो बनाया ताकि ये क्या करे, ये स्टडी करे कि किसको कोविड 19 नोवल पैथोजन वेरिएंट को, क्यों ये कोविड 19 जो है बार बार अपना वेरिएंट जो है वो क्यों बदलता है। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए WHO ने कौन सा ग्रुप बनाया, दैट इज सैगो। सैगो क्या है, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ नोवल पैथोजन। तो ये आपको आ सकता है सैगो किन्होंने जो है बनाया ये ग्रुप, तो वो किन्होंने बनाया, WHO ने, ओके। और मैंने तब ये भी बताया था जो WHO है उन्होंने डिक्लेयर किया है -- को एज अ सेकेंड डेडली डिजीज आफ्टर कोविड 19। तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे मलेरिया, टीबी या कुछ और इस तरीके से, तो WHO ने डिक्लेयर किसको किया है सेकेंड डेडली डिजीज आफ्टर कोविड 19, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को। और ट्यूबरक्लोसिस जो है ये किससे हो जाती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक हुआ। अब हम ये हमने WHO भी देखा, इसके हेडक्वार्टर्स भी देखे, हेड भी देखे, मेंबर नेशंस भी देखे, अभी जितना भी करंट रिलेटेड चीजें थी वो भी हमने इसमें पढ़ी। अब आगे चलते हुए यस, अब आ जाते हैं हमारे इंडेक्सेस। देखिए इंडेक्सेस में सबसे पहले आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI जिसको कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, बेसिकली ये एक स्टैटिक टूल है जो यूज किया जाता है एक कंट्री का मेजर करने के लिए व्हाट ऑल अचीवमेंट इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिकल डायमेंशन, यानी एक कंट्री का सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन देखने के लिए जो है ये एक टूल जो है वो बनाया गया है, ठीक है, दैट इज HDI। अब देखिए ये पहली बार जो है HDI जो है आपसे पूछा जाएगा ये किन्होंने जो है डेवलप्ड किया, डेवलप्ड इन द सेंस है किन्होंने जो है इसको एस्टैब्लिश किया। इट वॉज डेवलप्ड बाई -& ऑफ इंडिया इन 1990। ये सबको पता होगा, इट वॉज डेवलप्ड बाई महबूबुल, इधर लिखती हूँ मैं, महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान, महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान ने इसको डेवलप किया, एस्टैब्लिश किया, एंड अमृता सेन ऑफ इंडिया,
अमृता सेन ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है क्या किया, HDI इंडेक्स को एस्टैब्लिश किया, किन्होंने, महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान एंड योर अमृता सेन ऑफ इंडिया इन 1990 में। अब देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है, देखो जैसे हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा कि कौन रिपोर्ट देता, हर एक का तो कोई ना कोई रिपोर्ट देगा ना कि किस कंट्री का कितना है, वो कौन देता है, दैट इज योर UNDP। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, ये इसको रिलीज करता है। आपसे सिंपल पूछा जाएगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किन्होंने एस्टैब्लिश किया, दैट इज योर महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान एंड अमृता सेन ऑफ इंडिया, फिर आपसे पूछा जाएगा इसकी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, दैट इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड अब देखिए ये इसमें तीन क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी बेसिस पे ये क्या होता है, मेजर हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा टू बी एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल, थर्ड टू एंजॉय डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए पहले हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी हम पहले ही देख, हमने एक जो है वो नंबर पहले ही जो है एज रखी हुई है कि जो है इतनी जो है एज है, उस आधार पे हम देखेंगे कि इस कंट्री में कितने जो है इस लेवल के ऊपर जा रहे हैं मरने में या उसके नीचे, मतलब डेथ रेट्स कितनी हो रही है। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है इन्होंने पहले रखी थी अर्लियर 56, अब जो है इन्होंने कितनी रखी है 65 एंड अब जो है वो हो गई है 68। मतलब हम इस बिहाफ पे देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, हम देखेंगे कि अगर उन्होंने पहले तो अर्लियर 65 था, अब इन्होंने 68 रखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अगर इसके ऊपर जाता है दैट मीन्स उनका, अच्छा अगर इससे भी कितना नीचे होगा उसे उस हिसाब से जो है वो रैंकिंग दी जाएगी। पहला To be educated and knowledgeable, इसमें देखा जाता है दो फैक्टर्स, क्या देखे जाते हैं, ये मैं डिलीट करके, आपने तो ये समझ लिया है। अब आगे चलते हुए टू बी एजुकेट कितना है इसमें 68, टू बी एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल में देखा जाता है दो चीजें देखी जाती है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी इसमें दो चीजें देखी जाती है, हमने कितना एक्सपेक्ट रखा है कि इस कंट्री में कितने एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितने लोग जो है वो ये एजुकेशन हासिल करेंगे, और फिर मीन निकाला जाता है उस हिसाब से इसको मेजर किया जाता है। थर्ड, किस क्राइटेरिया पे, टू एंजॉय द डिसेंट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड किस फैक्टर पे, टू एंजॉय डिसेंट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें बेसिकली आपका देखा जाता है पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, दैट मींस ये तीन फैक्टर्स पे जो है हम इसको HDI इंडेक्स जो है वो आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दैट मींस इट इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ व्हाट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इनटू क्या, एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल एंड व्हाट, आई मतलब नेशनल इनकम, ओके, हो गया ये। अब इसके बाद हम देखते हैं इंडिया का रैंक जो है वो HDI इंडेक्स में कितना है। देखो HDI जो है ना, एक होता है HDI, एक होता है पी एक्स्ट्रा लगा है HDI, है ना। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया का रैंक HDI में कितना है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो तीन फैक्टर्स पे, ठीक है, वो कितना है, दैट इज 131, पहले 129 हुआ करता था, अब जो है अभी 2021 में वो कितना है जो रीसेंट है, दैट इज 131 आउट ऑफ हाउ मेनी 189। अब देखिए अब जो है ये PHDI में कितना रैंक है इंडिया का, 123। अब देखो अगर HDI आएगा तो 132, अगर PHDI आएगा तो 123। अब हम पहले देखते हैं ये PHDI क्या है, इट इज प्लैनेटरी प्लैनेट, मतलब है ना प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टमेंट HDI,
HDI तो हो गया होगा, बट क्या है P से क्या स्टैंड होता है, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टमेंट, यानी ये हमें एक कंट्री का जो है कार्बन इमिशंस लेवल बोलता है एंड कार्बन फुटप्रिंट्स का लेवल बोलता है, किस हिसाब से, पर कैपिटा के हिसाब से। ओके क्या है, देखिए इट इज द प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टमेंट HDI इट इज अबाउट द कंट्री लेवल, कितना एक कंट्री कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इमिशंस करेगा एंड मटेरियल फुटप्रिंट्स यानी CO2 फुटप्रिंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा। अब देखिए अब जो है डिक्लाइन हुआ है ये PHDI है इधर, ठीक है PHID डिक्लाइन हुआ है ग्लोबल एवरेज इन PHID डाउन फ्रॉम, देखिए पहले जो लेवल 0.73 किसके लेवल्स थे, PHDI वर्ल्ड वाइड है, अब वो कहां तक आए हैं 0.683। वैसे ये फैक्ट अगर याद रखोगे वेल एंड गुड, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो आप। ठीक है अब देखिए टॉप कंट्री अगर आपसे HDI पूछेगा 131, PHDI तो 123। अब देखिए टॉप कौन सी कंट्री ने किया है, ये लगातार जो है कंसेक्टिव फ्रॉम लास्ट कंसेक्टिव ईयर से नॉर्वे ही जो है वो टॉप है HDI इंडेक्स में, एंड स्विट्जरलैंड जो है ये सेकेंड मोस्ट, बॉटम लेवल्स पे है सोमालिया एंड यूर नाइजर। ओके अब देखिए जो देखो स्टेट वाइज ना इंडिया में भी जो है HDI अलग अलग स्टेट्स का जो है वो मेजर किया जाता, वहां पे रिपोर्ट कौन देगा, यहाँ पे तो UNDP देता है वर्ल्ड वाइड में, वहां पे देता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना इस चीज को, ये एक्स्ट्रा है। अच्छा अब देखिए स्टेट वाइज इन्होंने देखिए लार्जेस्ट स्टेट वाइज किन्होंने टॉप किया, तो अगर बड़ी स्टेट में गुजरात देन यूर पंजाब, इन्होंने टॉप किया इंडिया स्कोर कितनी क्या है इन इंडिया स्कोर ऑफ इतना, मतलब गुजरात का 62.61 ऑल ओवर में रहा, बट अगर स्टेट लेवल के हिसाब से देखेंगे लार्जेस्ट स्टेट के हिसाब से HDI किसने टॉप किया, गुजरात देन पंजाब। स्मॉलर स्टेट्स में किसने टॉप किया, जैसे हमने पढ़ा था ना वो फसाई के वो इंडेक्सेस पढ़े थे, उसमें भी उन्होंने जो है तीन यूटी लेवल अलग, लार्जेस्ट स्टेट अलग, स्मॉलर स्टेट अलग, तो स्मॉलर स्टेट्स में किन्होंने टॉप किया, दैट इज यूर मिजोरम और डैश एट द स्कोर ऑफ 61.02, तो ये कौन है, दिस इज योर जम्मू एंड कश्मीर। अगर देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा यूटी के हिसाब से देखिए जम्मू एंड कश्मीर का क्या रैंक बनता है, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है, आप वो चेक करके मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो बता देंगे जम्मू एंड कश्मीर का यूटी के हिसाब से कौन सा रैंक बनता है। ठीक चलते हुए आगे, अच्छा लीस्ट बॉटम रैंक इन इंडियाज HDI में कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का रैंक जो है वो कितना है HDI में, मतलब लीस्ट बॉटम रैंक किसका स्टेट वाइज, दैट इज योर नागालैंड। ठीक हुआ अब हम आगे जो है वो क्या पढ़ते हैं, इसमें देखो HDI जब हमने पढ़ा ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें और भी कुछ होते हैं इंडेक्सेस, 5 इंडेक्सेस और, देखो जैसे IHDI है इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट, देखो I से क्या बनता है इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी उन्हीं तीन चीजों में हेल्थ आपकी एजुकेशन एंड आपका इनकम, इनमें कितना जो है एडजस्टमेंट है, इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट है ना। देखिए ये भी इंट्रोड्यूस्ड किया है UNDP ने 2020 में, देखिए ये क्या मेजर करेगा, टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट बाय अकोमोडेटिंग इनइक्वालिटीज इन 3 डायमेंशंस ऑफ HDI, जो 3 डायमेंशंस ऑफ HDI है जो मैंने अभी बोले हेल्थ आपका एजुकेशन एंड यूर इनकम, उनमें देखता है कितनी जो है वो एकोमोडेशन है इनइक्वालिटीज की, तो दिस इज इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें जो इंडिया का जो IHD रैंक है, IHD रैंक जो है वो भी कितना हो जाएगा, दैट इज योर मे बी ये आ जाए इसका मीनिंग क्या है ना, तो वो भी जो है इंडिया का दैट इज 131। ठीक है और टॉप किसने किया, टॉप तो नॉर्वे ही है। ठीक आगे चलते हुए GDI इट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक क्या है ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, बेसिकली ये GDI जो है ये मेजर करता है जेंडर गैप, मतलब जो जेंडर गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 3 बेसिस डायमेंशंस, मतलब इसके 3 बेसिस डायमेंशंस है, बोथ ये देखेगा कि पहले जैसे है हेल्थ, हेल्थ देखेगा बोथ ये
मेल में एंड फीमेल में, मेल में कितना जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मेजर करता है, दोनों का जो है, दोनों जेंडर्स जो है उनका करता है ये मेजर इंडेक्सेस, ठीक है, वो कितने डेवलप है, मेल कितने हुए, फीमेल कैसे, फिर रेशियो निकाल देगा। हेल्थ में बोथ मेल एंड फीमेल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जिस तरह HDI में था ये बोथ फीमेल एंड मेल का होगा, ठीक है, मेल एंड फीमेल का बोथ। एजुकेशन के हिसाब से देखेगा एंड कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्स, इट इज इम्पॉर्टेंट, कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब किसको कितना जो है वो मिलता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये इस हिसाब से जो है वो रैंकिंग है। अब इंडिया रैंक इन GDI 2021 इज, इंडिया रैंक का कितना था GDI में, दैट इज 140, ठीक है, और जो टॉप जो थी 2019 का रिपोर्ट जो था दैट इज ओवर लाटविया, लाटविया, और लीस्ट जो था दैट इज यूवर यमन, ओके। अब इसको समझ आई डेवलपमेंट जेंडर इंडेक्स क्या है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे चलते हुए जो है दैट इज यूवर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ओके, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यहां से ही मतलब पता चल रहा है जेंडर के बीच में इनइक्वालिटी यानी जेंडर गैप है ना, ग्लोबल जेंडर गैप है ये बेसिकली, है ना, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप के हिसाब से देखिए इसको आप ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी कह सकते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप भी है ये, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है वुमेन्स को थ्री एरियाज में, मतलब ये बेसिकली देखेगा कि इनइक्वालिटी है ना कि दैट मीन जेंडर्स एंड उनमें गैप कितने हैं, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्ट्स वुमेन इन थ्री एरियाज, ये क्या है, अचीवमेंट होगा ये, है ना, अचीवमेंट्स देखेगी किसमें कितना है, ठीक है, ये एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव यानी फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखेगा, उनके एम्पावरमेंट को देखेगा पॉलिटिकल हिसाब से, एंड उनकी लेबर मार्केट देखेगा, ठीक। अब जो इंडियाज रैंक जो है GII में दैट इज 140, एंड ये 22 फरवरी में आया है, 22 फरवरी जो है ना, ये 2022 आई मीन टू से फरवरी की न्यूज है कि टॉप कंट्री जो रही है ग्लोबल जेंडर गैप में दैट इज योर स्विट्जरलैंड, दैट इज योर स्विट्जरलैंड, समझ आई। इसमें तीन जो है पैरामीटर्स पे हम इसको मेजर करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड देन एम्पावरमेंट एंड देन लेबर मार्केट। पहले स्लोवेनिया आ जाता था, लबज लुजाना, वो जो कंट्रीज है ना वो पहले आती थी, इस बार जो है वो स्विट्जरलैंड ने जो है वो टॉप किया है, ठीक। चलते हुए आगे MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देखिए क्या है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इट वॉज डेवलप्ड बाई 2010 बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड UNDP। इसमें भी हम किन पैरामीटर्स पे देखते हैं, हेल्थ, देन यूअर एजुकेशन, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये मैंने करवाया था, इसका रैंक मैंने पहले ही करवाया था, बट ये चलो इसमें भी आ गया। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम देखते हैं कि फ्लोर क्या, फ्लोर है क्या, उनके जो है इलेक्ट्रिसिटी है क्या, उनके टॉयलेट्स है क्या, उनके एसेट्स है, तो इस चीज में आएगा इंक्लूड्स यूअर एसेट्स, यूअर इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो किस बेसिस पे देखते हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें ये चीजें आ जाती है। इंडिया रैंक जो है वो कितना था 2021 में आउट ऑफ 109 कंट्रीज, दैट वाज यूअर 66, ठीक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है। चलते हुए आगे MPI के बाद जो है, यस इट इज इंपॉर्टेंट, हम देखते हैं ये क्या है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है, क्या हो जाता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है, ये टर्म जो है ये क्वाइनड की है, टर्म क्वाइनड है, क्वाइनड इन 1972 में ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है ये क्वाइन हुई है। भूटान का एक किंग था जिसका नाम था जिगमे, जिगमी
सिंग वे वैंग चुक, वैंग चुक, जिगमे सिंगवे वांगचुक, ये भूटानीज किंग था। इसने 1972 में कौन सी टर्म कॉइन की, दैट इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये छह पैरामीटर्स पे देखा जाता है, इकोनॉमिक वेलनेस, एनवायरमेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, मेंटल, पॉलिटिकल एंड सोशल वेलनेस ऑफ अ कंट्री पे देखा जाता है। देखिए अगर आप देखेंगे 2019 में यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे एक डिपार्टमेंट बनाया। और आपका जो है मध्य प्रदेश, उन्होंने एक मिनिस्ट्री खोली है, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। चलते हैं हम अब आगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली सिंपली सी आप याद रखो, ये देखता है भूख मरी किस कंट्री में जो है वो कितनी पड़ी है। इट एम्स टू कंप्रेहेंसिवली मेजर एंड ट्रेस हंगर, ग्लोबली भी देखता है, रीजनल वाइज भी देखता है, एंड कंट्री लेवल्स पे भी ये देखता है। देखिए इसमें फोर इंडिकेटर्स होते हैं कि जिससे हम ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजर करते हैं, क्योंकि ये मैंने करंट्स में पढ़ाया हुआ है, ये मैंने अक्टूबर और सितंबर के करंट्स में पढ़ाया हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बट यहाँ पे हम इंडेक्सेस पढ़ रहे हैं तो ये फिर से आ गया, ठीक है। फोर इंडिकेटर्स कौन से हैं, दैट इज यूअर माल न्यूट्रिशन, ठीक है, फिर चाइल्ड की वेस्टिंग पे देखा जाता है, चाइल्ड की स्टर्निंग पे देखा जाता है, एंड चाइल्ड की मोर्टलिटी पे देखा जाता है, ठीक है ना। ये फोर पैरामीटर्स इसके होते हैं। अब इंडिया का रैंक जो है इन 2021 में कितना रहा है, 101 बढ़ गया है, और इंडिया का रैंक कितना रहा है 2020 में, दैट इज यूअर 94, यानी देखो कितने स्टेप्स हैं हम आगे और गए, मतलब ये आगे इन द सेंस का मतलब है भुखमरी ज़्यादा हो रही, 101 है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ मोस्ट अफेक्टेड कंट्री कौन है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको ज्यादा, दैट इज योर सोमालिया, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसकी रिपोर्ट जो है, अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, जैसे हमने देखा एचडीआई को कौन देता है रिपोर्ट, यूएनडीपी है ना, इसी तरह जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रिपोर्ट जो है मेनली वो देता था 2006 तक जो है ये इफप्री देता था, कौन देता था पहले, यूअर इफप्री। इफप्री क्या है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये देता है किसकी रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ये 2006 टू 2009 तक ऐसा ही टाइम पीरियड है जब ये देता था। फिर उसके बाद इंक्लूड ये दो भी हो गई इस के साथ, तो तीन अभी जो है वो देती है, दैट इज यूअर वेल्ट हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये जो है ये जर्मन बेस्ड एनजीओ है, एंड ये आपका जो है ये आयरिश बेस्ड एनजीओ है, जो इनकी रिपोर्ट्स जो है मिलकर बनाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। फिर देखिए, फिर आता है हमारा सेफ सिटीज इंडेक्स, ये भी मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे रिवाइज हो गया, और ये लास्ट हमारा इंडेक्स होगा, और यस, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में जो है ये क्या है, ये बेसिकली एक कंट्री का किस पे देखते हैं इंडिकेटर, क्या क्या होता है, हेल्थ, डिजिटाइजेशन कितनी है वहाँ, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी है वहाँ पे, कितनी जो है पर्सनल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है। ग्लोबली इन्होंने कितनी ली थी, 60 सिटीज ली थी, वर्ल्ड वाइड जो है इन्होंने 60 सिटीज ली थी। तो उसमें क्या हो गया, सेफ सिटीज इंडेक्स जो है देखते हैं पहले रिलीज कौन करता है। सबसे पहले जो सेफ सिटी इंडेक्स रिलीज कौन करता है, WHO, IBRD, EIU एंड WTO। तो आपको ये कौन करता है, EIU, इट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस यूनिट, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लंदन में, एंड इनका जो हेड है वो कौन है, रॉबिन ब्यू, रॉबिन ब्यू, ठीक हुआ।
तो आपसे आ जाएगा सेफ सिटीज इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो वो EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लंदन, और उनके हेड कौन है, रॉबिन ब्यू। आगे देखते हैं इसी सेफ सिटीज इंडेक्स में, सेफ सिटीज इंडेक्स में आगे ये है रैंक ऑफ, देखो जब इन्होंने वर्ल्ड की 60 सिटीज ली है तो हम देखते हैं इंडिया लेवल पे जो है अलग अलग सिटीज जो है उनका रैंकिंग हम देखेंगे, ठीक है। रैंक ऑफ न्यू दिल्ली इन सेफ सिटीज इंडेक्स इज, न्यू दिल्ली का कितना रैंक है, 20, 46, 48 और 21, ये भी मैंने करवाया, दैट इज यूर 48। रैंक ऑफ मुंबई क्या है इन सेफ सिटीज इंडेक्स इज 50, 52, 46 और 60, दैट इज 50। देखिए अब जो है सेफ सिटी इंडेक्स में सबसे सेफेस्ट कंट्री कौन सी आई है, सेफेस्ट कंट्री इन सेफ सिटीज इंडेक्स में वर्ल्ड की कौन सी आई है, दैट इज योर कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किन की है, डेनमार्क की है, ठीक हो गया। और लीस्ट बॉटम लेवल किसकी आई है, मतलब जो सेफ नहीं है, दैट इज योर यंगून म्यांमार। म्यांमार की जो यंगून है वो सेफ नहीं है, और वर्ल्ड की कौन सी सेफेस्ट है, दैट इज यूर कोपेनहेगन, जो किसकी कैपिटल है, डेनमार्क की। तो इसी के साथ जो है आपको वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं मेरे से जितना होगा मैंने वो आपको वो कंप्लीट करवा दिया। देखो जो UNO है, UNO तो आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि शायद यशोधरा मैम ने करवाया, अब वो देखते हैं अगर आप डिमांड करते हैं तो फिर मैं जो है आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के भी जो है वो पढ़ाऊंगी। और जो है इसके बाद जो है हमने इंडेक्सेस भी, बाकी इंडेक्सेस भी, जैसे मैंने ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स वो करवाया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स करवाया है, और भी मैंने बहुत ज़्यादा हेनले पासपोर्ट इंडेक्सेस करवाया, वो मैंने करंट्स में करवाया तो मुझे नहीं लगी नीड के उनको फिर से जो है वो मैं इसमें ले आऊँ, ठीक है। सो अब देखते हैं हम क्या स्टार्ट इसका नेक्स्ट करंट अफेयर का कौन सा पार्ट करते हैं हम स्टार्ट, वो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सरप्राइज होगी। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ओके, ऑल द बेस्ट।